नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोरोना के 5 से कम मामले, बीएसएससी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे छात्र। छठ को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की सभी जिलों में घाटों की समीक्षा। बिहान ऐप की लॉन्चिंग पर बोले कृषि मंत्री। पंचायत चुनाव के बाद में निकाय चुनाव की है बारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठ को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की सभी जिलों में घाटों की समीक्षा। छठ पूजा की शुरुआत कल यानी कि सोमवार से नहाय खाय के साथ हो जाएगी। वहीं छठ व्रतियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की तरफ से घाटों को दुरुस्त करने का काम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन घाटों की व्यवस्था को देखने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त सहित कई उच्च अधिकारियों के साथ छठ घाटों और संपर्क पथ हेतु संचालित कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने और सभी कार्य 2 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती, घाटों पर बिजली की निर्बाध व्यवस्था, खतरनाक घाट की व्यवस्था, घाटों पर मेडिकल टीम की तैनाती आदि बिंदुओं पर समीक्षा की। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग में होगी इंजीनियरों की बहाली। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग में जल्द ही इंजीनियरों की बहाली होने वाली है। इसको लेकर रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा पर बहाल किए जाने का फैसला लिया गया है। इसमें कार्यपालक अभियंता के 23 और अधीक्षण अभियंता के 5 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हो गई है, जो कि 22 नवंबर तक जारी रहेगी। बिहार सरकार के किसी भी विभाग से सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता इसके लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दें, सभी आवेदकों को 23 नवंबर को नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। यहां प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजन 2 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होगा। संतोष प्रद सेवा की स्थिति में 1-1 वर्ष करके 67 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने पर जताई गई आशंका। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस वितरण में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, क्योंकि इस साल अब तक 6,81,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। वहीं लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट में मात्र 1,337 ही फेल बताए गए हैं। फेल करने वालों में भी लगभग 1/3 संख्या अकेले पटना जिले की है। भागलपुर, नवादा जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हुए टेस्ट में फेल नहीं हुए हैं, जो कि राज्य के 21 जिले ऐसे हैं जहां से कम लोग टेस्ट में फेल हुए हैं। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में 6,83,178 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इनमें से विभागीय नियमानुसार 6,81,832 लोगों ने परीक्षा पास कर ली है। हिंदुस्तान की तरफ से प्रकाशित की गई खबर के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस वितरण में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और साथ ही समीक्षा की भी जरूरत बताई गई है। बिहार के शिक्षकों और फरियादियों के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी शिक्षकों और फरियादियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों का संबंधित जिलों में ही समाधान किया जाएगा। इसको लेकर समस्या को सुलझाने की कोशिश पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर होगी। अगर शिकायतकर्ता डीईओ कार्यालय नहीं पहुंचे या फिर यहां से उन्हें न्याय नहीं मिला तो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक प्रमंडल स्तर पर उनका निपटारा करेंगे। फरियादियों की सुनवाई और शिकायतों को सुलझाने के लिए नियमित रूप से हर महीने जिला और प्रमंडल स्तर पर डीईओ और आरडीडीई दरबार आयोजित करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने दिन, समय और स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके लिए अफसरों को हर महीने जनता दरबार लगाकर उसकी मासिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। बिहार में मिले कोरोना के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 2, समस्तीपुर में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 217,557 सैंपल की जांच की गई। वहीं 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बीएसएससी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे छात्र। 13,120 पदों के लिए 2014 में निकली प्रथम इंटरस्तरीय बहाली 7.5 साल बाद भी पूरी नहीं होने से परीक्षार्थियों का गुस्सा अब आसमान छू रहा है। यही कारण है कि बीएसएससी के खिलाफ छात्र अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, जिसके तहत बीएसएससी के खिलाफ अब एक बार फिर 15 नवंबर को पटना में छात्रों का आंदोलन देखने को मिलेगा। इसको लेकर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया है कि बीएसएससी ने खुद 19 सितंबर को नोटिस जारी करके बताया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रथम इंटरस्तरीय बहाली का काउंसलिंग शुरू होगा, जिसके बाद अब काउंसलिंग की तारीख जल्द घोषित करने, काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाने, फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता के साथ बहाली जल्द पूरी करने की मांग को लेकर 15 नवंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पटना में छात्र महा आंदोलन करेंगे।
आज से बिहार में शुरू हुआ विशेष टीकाकरण अभियान। बिहार में कोविड 19 टीकाकरण की विशेष अभियान के बचे हुए लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया आज से खास मुहिम के तहत शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पंचायतों में 8,246 मोटरसाइकिल टीम लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 टीकाकरण को लेकर रविवार को विशेष अभियान का आयोजन किया जाना है। इस अभियान के लिए 600 चार पहिया मोबाइल टीकाकरण वाहन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरादि शरण ने सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि रविवार को होने वाले कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत कम टीकाकरण वाली पंचायतों में लोगों को टीकाकृत करें। उन्होंने इसके लिए स्थानीय स्तर पर माइक्रो स्तर पर योजना बनाकर टीकाकरण कार्य करने का निर्देश दिया है। तेजस्वी ने जहरीली शराब को लेकर किया सरकार का घेराव। इन दिनों बिहार में शराबबंदी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसके तहत पक्ष और विपक्ष एक मुद्दे पर एक दूसरे के सामने हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों के जान जाने की खबर आई है। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से तेजस्वी ने सरकार का घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विगत 3 दिनों में शराब माफिया संघ मिलकर बिहार सरकार द्वारा आपूर्ति की गई जहरीली शराब से बिहार में 50 से अधिक की संस्थागत जान चली गई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि कुख्यात शराब माफियाओं की मुख्यमंत्री आवास से सीधी पहुंच है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दिया नीतीश कुमार का साथ। बिहार में शराबबंदी को लेकर घिरी सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। यही कारण है कि लगातार विपक्ष के साथ साथ भाजपा भी अब सरकार से जवाब मांग रही है। इसी बीच बिहार सरकार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का सहारा मिला है, क्योंकि सुशील मोदी ने बातों ही बातों में सरकार का साथ दिया है। बिहार के गोपालगंज सहित 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने की घटना को उन्होंने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को दोषियों की पहचान कर तुरंत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे मामले में स्पीडी ट्रायल के जरिए इन सौदागरों को सजा दिलाई जानी चाहिए। सरकार को पीड़ित आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पर देने का विचार भी करना चाहिए। हालांकि इन सबके बीच उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं के बहाने शराबबंदी हटाने की दलील नहीं दी जानी चाहिए। बिहार की जनता और विशेषकर आधी आबादी ने शराबबंदी को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। वीआईपी मुफ्त में बांट रही है फूलन देवी की स्मृति चिन्ह। इतने 1,000 लोगों ने किया आवेदन। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है, जिसमें बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी छोड़कर हिस्सा लेने वाली है, जिसमें एक नाम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का भी है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहनी काफी ज्यादा एक्टिव है। इसी को देखते हुए फूलन देवी के शहादत दिवस को और भी भव्य बनाने हेतु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने फूलन देवी के आदर्शों को, उनके संघर्षों को, माताओं बहनों को सशक्त करने के उनके प्रयास को भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाने हेतु एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति वीआईपी पार्टी के वेबसाइट पर ऑर्डर कर फूलन देवी के स्मृति चिन्ह को निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इसको लेकर अब तक 50,000 ऑर्डर आ चुके हैं। पटना पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति के बिहार आगमन के बाद अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय दौरे पर बीते दिन बिहार पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब वो तय कार्यक्रम के अनुसार आज अलग अलग जगह पर जाएंगे। इस दौरान वो मोतिहारी के कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का हिस्सा बने, फिर नालंदा भी गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वेंकैया नायडू के इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी मौजूद रहे थे। वहीं बीते दिन जब उपराष्ट्रपति बिहार पहुंचे, वो सीधा विमान से उतरकर राजभवन गए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया, और अब आज वो मोतिहारी के पीपराकोठी और नालंदा का दौरा करते देखे गए। उनके आगमन को लेकर बिहार में तमाम सुरक्षा इंतजाम भी कर लिए गए थे। विहान ऐप की लॉन्चिंग पर बोले कृषि मंत्री। बिहार कृषि विभाग ने बीते दिन बिहार के सभी जिलों में विहान ऐप की लॉन्चिंग कर दी है। पटना के बामेती सभागार में हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विभाग के सचिव एन सरवन और कृषि निदेशक राजीव रोशन भी इस दौरान मौजूद रहे थे। विहान ऐप की लॉन्चिंग करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ये एप्लीकेशन किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे किसानों को कई ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे वो खेती करने के लिए मदद ले सकेंगे। विहान ऐप बिहार के किसानों के साथ साथ अधिकारियों को भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में अच्छा होगा। किसानों की समस्या को भी इस के जरिए सुना जा सकेगा और उसका त्वरित गति से समाधान भी किया जाएगा। पंचायत चुनाव के बाद में निकाय चुनाव की है बारी। बिहार में पंचायत चुनाव का सिलसिला लगातार जारी है। उपचुनाव इसी दरमियान आयोजित करवाए गए थे, वहीं अब नगर निकाय चुनाव अप्रैल मई महीने में होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है, उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव एक ही या ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव की तरह ही नगर निकाय चुनाव भी ईवीएम से ही होंगे। मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। नगर विकास और आवास विभाग द्वारा इस बार 166 नए नगर निकायों के गठन के बाद उन जगहों पर पहली बार चुनाव करवाए जाएंगे। इनमें 6 नए नगर निगम भी शामिल है, जिसमें समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और मोतिहारी का नाम जोड़ा गया है।
ऋषभ पंत ने कोच तारक सिन्हा के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट। भारतीय क्रिकेट को कई शानदार इंटरनेशनल खिलाड़ी देने वाले कोच तारक सिन्हा का निधन शनिवार को लंबी बीमारी के बाद 71 साल की उम्र में हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए तारक सिन्हा ने शनिवार को दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत, जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए UAE में है, उन्होंने अपने कोच और मेंटोर तारक सिन्हा के निधन पर उन्हें ट्वीट कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे मेंटोर, कोच, मोटिवेटर, सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े फैन, आपने मुझे बेटे की तरह संभाला। मैं टूट चुका हूं, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे जब भी मैं फील्ड पर रहूंगा। ऋषभ पंत ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि तारक सर पिता तुल्य नहीं है, वो मेरे पिता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू करने में बिहार सरकार सफल हुई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।